नमस्कार, दिनगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका। कांग्रेस और भाजपा की राजस्थान में कड़ी टक्कर होने की संभावना है। हालांकि भाजपा को मामूली बढ़त भी है। राजस्थान में 49 लाख नए मतदाता राज्य के 139 विधानसभा सीटों पर कई प्रमुख नेताओं का भविष्य बना या बिगाड़ सकते हैं। वजह ये है कि 200 विधानसभाओं में से 139 सीटें ऐसी हैं जहां मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव में जीत के अंतर से बढ़ गई है। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस बार विधानसभा चुनाव में 5,27,00,000 मतदाता हैं। इनमें से इस बार 48,92,000 नए मतदाता हैं। नए वोटरों की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली बार बीजेपी के पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ महज 1,704 वोटों से मालवीय नगर सीट से जीते थे। इसी तरह हवामहल सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी 9,282 वोटों से जीत गए थे और इस बार सूची में 19,076 नए मतदाता शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालरापाटन विधानसभा सीट से 34,980 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार अंतिम मतदाता सूची में झालरापाटन सीट पर 22,427 वोट बढ़ गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा सीट पर 54,169 वोटों की भारी जीत हासिल की थी। इस बार अंतिम मतदाता सूची में टोंक सीट पर 27,772 वोट बढ़ गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला 6,190 वोटों से जीते थे। अब इस बार अंतिम मतदाता सूची में बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट पर 28,213 वोट बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि राठौड़ राजधानी में सीट तलाश रहे हैं, लेकिन अब राठौड़ चूरू से ही चुनाव लड़ते हैं तो वहां जीत हार के फैसले में युवा मतदाता अहम भूमिका निभाएंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा सीट पर 13,276 वोटों की से जीत हासिल की थी। इस बार अंतिम सूची में आमेर सीट पर 39,631 वोट बढ़े हैं। ऐसे में जीत के लिए स्थायी वोट बैंक के लिए वोटर्स को भी साधना होगा। चूरू में पिछले विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को बेहद करीबी जीत मिली थी। उनके और कांग्रेस के रफीक मंडेलिया के बीच अंतर सिर्फ 1,850 वोटों का था। इस बार मतदाता सूची में 21,977 मतदाता भरे हैं, जो पिछली बार की जीत के अंतर से 20,127 ज्यादा हैं। इसके अलावा इस बार राजेंद्र राठौड़ की सीट बदलने की भी चर्चा है। ये पिछली जीत के अंतर से 22,023 वोट ज्यादा हैं। बीकानेर पश्चिम सीट पर ये वोटर किंग मेकर साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा सीट पर 45,597 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार अंतिम मतदाता सूची में सरदारपुरा सीट पर 25,530 वोट बढ़े हैं। वैसे कहा कुछ भी जाए, लेकिन अब मतदाता अलग तरह से सोचते हैं और काम के अनुसार वोट देते हैं और अपना उम्मीदवार चुनते हैं। ये सब तो चुनाव के बाद देखा जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।